कुरान एक ऐसी अनमोल किताब है कि हर कोई कुरान का कारी और कुरान नाज़िल फरमाकर खुद खालिक कायनात फरमाता है कि ला रैबा फी, इसमें ना कोई शक है ना कोई शुबे की गुंजाइश। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि कुरान का कोई मुतबादल न बदल है। कुरान इस्लामी मुल्क 47वीं को एक नजरिए के तहत जिसके बुनियाद पर पाकिस्तान कायम हुआ। मुतहिदा हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियत की वजह से मुसलमानों के सियासी मजहबी माशी व सामाजिक मोहतरम इकबाल ने जिंदगी का करीना सिखा दिया है ये हमें कि वो अहले बस्ती अहले पाकिस्तान अमन वाले थे, इत्मीनान वाले थे। अमन सा क्यों हुआ कि रब के इनामात की कदर तकाजे भी होते हैं और अगर चलो तकाजे पूरे ना किए जाए तो फिर सजा का अमल भी शुरू हो जाता है। नहीं क्या इस मुल्क में तुम्हारी की पहचान नहीं है? मादियत से रूहानियत और जहालत से इल्मियत का सब मतवा। एक शख्स मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आया, दार के पास गया, ये लगा जाके दार के पास समीन अब मेहराब का इकबाल ने अपनी सोच और फिक्र का अनुमान सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को मोहम्मद की सना है। मामूर है नेमतों से फिजा मेरे वतन की, इस देश की पहचान मोहम्मद की सना है और सरकार की नेमत है, सरकार की नेमत है मेरे पाक वतन पर। अरे शहजाद मेरा मुल्क मदीने की अता है, शहजाद मेरा मुल्क मदीने की अता है। आज की हमारी जब मुसलमान कुरान और सुन्नत को अपने सीने के साथ वाबस्ता कर देंगे खुदा की कसम इनका कर्जा नहीं उतार सकते। और फिर खसूस इन 5 साल के अंदर जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी या हमने सीखी वो है अदब और बिलखसूस उस्ताद मोहतरम का अदब। मैं इसी पे एक दो बातें करूँगा। जमीन तलबा जिनमें से कोई सीन होता है कोई अक्सन होता है, दीन का हर तालिब इलम अपने इलम को सुनाते हुए कभी नाकाम नहीं बल्कि हर तालिब इलम कामयाब नहीं होता। हमारे इस अजीम दीनी अदारा से शिरकत फरमाते हुए हमारे इलाका की हर दिन अजीज़ अजीम शख्सियात सतह पर जलवा अफरोज में तारुफ आपको हो चुका होगा। वक्त की तंग दमानी के बायस मैं उनका आर के दीनी तलबा की हौसला अफजाई करने पर उनका शुक्रगुजार हूँ। असातिज़ा तलबा आप मेहमानों के लिए दुआ तो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़ी बेपनाह इज्जतें नसीब फरमाई है। हमारी हौसला अफजाई करने पर अल्लाह करीम आपको मजीद इज्जतों से सरफराज फरमाए। इतनी देर आप हमारे दीनी अदारा में तलबा की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ फरमा रहे, अल्लाह करीम आपको अपनी आला जनाब से अजर अज़ीम मामलत फरमाए थे। नहायत ही मोहब्बतों के लायक मास्टर मोहम्मद शकीर साहब जनाब मास्टर मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब हमारी मामनत फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दी के मोहम्मद उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए। आज के इस मुसाफे के अंदर
हर जज के पास 30-30 नंबर थे, टोटल 90 यानी 90 नंबर हुए। इन 90 नंबरात में से जिसने सबसे ज़्यादा लिए उससे कम लिए या उससे कम लिए, ये तीन पोजीशनें बनी हैं। तीसरे नंबर पर आने वाले बैदुर रहमान शाह साहब, आप खड़े हो जाए जहाँ भी हैं। सैयद उबैदुर रहमान शाह साहब माशाल्लाह, इन्होंने 90 नंबरात में से 72 नंबर हासिल किए, 90 में से 72 नंबर हासिल किए और आपने तीसरी पोजीशन। दूसरे नंबर पे जनाब अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ हुसैन साहब माशाल्लाह ये दूसरे नंबर पे रहे, इन्होंने 90 नंबरात में से 75 नंबर हासिल किए यानी 90 में से 75 नंबर हासिल किए। आज के इस मुसाफिर के जो पहले नंबर पर आने वाले तालिब इल्म हैं वो हैं जनाब हनीफ सुल्तानी साहब, इन्होंने 90 में से 79 नंबर हासिल किए और पहली पोजीशन हासिल की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं खालिक़े कायनात जिस जिस तालिब इल्म ने हिस्सा लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके इल्म और अमल के अंदर बरकत अता, क्योंकि सियासी जमात होते रहते हैं, मजहबी तदरीसी प्रोग्राम है और वो भी जो हज़रत अल्लामा रियाज़ साहब की ज़ेर सदारत मुनक़द हुआ, बड़े बेहतरीन तरीके से इस मैनेजमेंट ने इसको प्रोग्राम को अरेंज किया। मैं दिल की अथाह गहराई से अल्लामा साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे इस साल जो क्लास मारू हुई है जो आगे देखते जा रहे हैं और जो बातें काफिल हो गए हैं उनका आपके लिए हमारी आलम अरबी की क्लास में उनके लिए इस तकरीब का इनका किया है। मैं बिल्कुल जाने वाले तलाबा को आप तशरीफ लाई, मैं समझता हूँ कि ये आपने बड़ी बड़ेपन का गुजारा किया है कि आपने अपना वक्त निकाल के आप तशरीफ लाए हैं और आपने साथियों की हौसला अफजाई की है, हमारे लिए तो आपने काम होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको इन काम करने कामयाब बता रहा है। इसके साथ ही हमारी आज की इस हमारी आदम अरबी की क्लास ने इसे अपना किया है, मैं उनके इस कामयाबी पर इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनका पर उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, सारे तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सब की इस मेहनत को कोशिश को काबिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और हमें सही मानों में इस्लाम का पाकिस्तान का खादम बने। अहमद पाक से लेकर आखिरी जुमले तक जितना भी तेरी रजा की खातर जिस जिस साहिब ने जिस जिस एतबार से अपना हिस्सा पेश किया रबे की अपनी बारगाह में कबूल हो, हालांकि इस पर हमें अमल करने की जिक्र करता हूँ। हमारे मेहमानों की इज्जतों के अंदर इजाफा कर जजेज हजरात के ये वक्त देने की जो इन्होंने वक्त दिए इस दीनी इदारे के सच्चे मेरे मालिक ने दीन दुनिया की बनाई आता इस मादरे इल्मी को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की आता इसके जुमला माबिनीन को बेहतर जजाए रहता, पढ़ के जानने वाले पढ़ने वाले आइंदा आने वाले सारे तलबाए ग्राम को इल्म नाफे आता।